अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। फ्रेंड ये देखें, मैंने ना इनको खोल दिया है। पहले इस मुर्गे को, जावे को, सील को बाहर निकाला है और कबूतरों को भी खोल दिया है। और ये देखें माशाल्लाह कबूतर आ गए हैं बाहर। ये देखें उड़ कर आ रहे हैं बारी बारी से ना बाहर। ये देखें आटा इनको पहले ही डाल दिया। ये देखें आटा ना पहले ही गिरा दिया था ताकि ना आके सब खा लें, नहीं तो कुछ खाते हैं कुछ साइड पर रह जाते हैं। ये देखें और मुर्गा जो ना वो दाना आटा नहीं खा रहा था, इसलिए ना उसको दाना डाल दिए। और चले आए फ्रेंड, ये चेक करें। आपको कल बताया था कि खुड्डा लेके आना है एक, और ये देखें ये खुड्डा लेके आया हूँ मैं। ये देखें कबूतर बारी बारी से आ रहे भाई। चले आए आपको ना पास जाकर दिखाता हूँ खुड्डा। चले आएँ दिखाता हूँ आपको। और ये देखें चार खाने हैं इसमें। कबूतरों को बाहर निकाल दिया मैंने। और ये देखें एक ये है ऊपर। चले आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, एक ये है। ये देखें काफ़ी बड़े हैं अंदर से ना। चाहे तो हम दो दो पेड़ भी एक लगा सकते हैं यहाँ पर कबूतरों के। और ये तीसरा ये है, ये देखें। और चौथा ये है। चार खाने हैं टोटल। चाहे तो हम चार पेड़ लगा लें, चाहे तो हम दो दो लगा के आठ पेड़ भी लगा सकते हैं इनमें। ये मैंने इसीलिए लिया है कि ना जो कबूतर है जो हम रेड लेके आए थे वो, और रेड टेल जो लगे हैं वो एग नहीं थे दे रहे, तो उनके लिए ना अलग डरबा होना चाहिए, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो अब ना इंशाल्लाह एग देंगे वो सराजिए जिनको कहते हैं, वो भी एग नहीं थे दे रहे। आपको पता है काफ़ी देर हो गई है, तो अब इंशाल्लाह ना एक देंगे। और ये देखें कबूतर आए हुए बाहर। ये देखें अब साफ बना, मैंने वहाँ से भी खोल दिया केज से, तो वो भी बाहर आ गए हैं। और जावे को बंद करके मैंने इसे खोल दिया, इसे और चूज़े वाली मुर्गी को जिसके साथ दो चूज़े हैं ना। ये देखें और ये देखें ये मुर्गा निकाला हुआ। मैंने ना इसको इकट्ठे निकाल दिया था, वो भी बाहर ही था जावा, इसको भी निकाल दिया, तो ये लड़ना शुरू हो गए, काफ़ी ज़्यादा लड़े हैं, इसलिए ना उसको अलग ही बंद किया। फिर मैंने तो कहा था चलो इकट्ठा रहना सीख जाएंगे, लेकिन नहीं ये लड़ते हैं, इसलिए ना अलग अलग ही बंद करते हैं इनको। और माशाल्लाह शराजी और ये जो सामने दो है, दोनों ने बच्चे निकाले हुए हैं। ये देखें इकट्ठे घूम रही है दोनों। चले ना इनको अब इनके अलग अलग केज में बंद कर दें इनको, ताकि ये भी ना एग दे। सराजिए को मैंने पकड़ा है, कबूतरी को मैंने पहले पकड़ के बंद कर दिया था, ये मेरे हाथ से निकल गया था। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पैर यहाँ पर बंद कर दिया। ये देखें ये चेक करें, इसको यहीं पर बंद कर देना हमने। और अब पकड़ के लाते हैं रेड टेल लक्के को और उन्हें बंद करते हैं। ये देखें ये इनको भी पकड़ लिया, ये ले कबूतरी हाथ से निकल गई। ये देखें दोनों को पकड़ा था मैंने, कबूतर और कबूतरी को। कबूतरी जो ना पर मार कर हाथ से निकल गई, क्योंकि एक हाथ से मैंने दोनों को पकड़ा था, एक हाथ में मोबाइल है मेरे, तो ये देखें ये ना हाथ से निकल गई। चले ना कोशिश करते हैं इसको ना ऐसे ही पकड़ने की, अंदर बंद करके नहीं ऐसे जी। तो फ्रेंड ये देखें हम कामयाब हो गए पकड़ने में। ये देखें जैसे उड़ नहीं रही होती ऐसे कर रही है। चले इसे भी बंद करते हैं यहाँ पर। ये देखें रेड टेल लक्के को यहाँ पर बंद कर दिया। ये ना हमने केज न्यू इसीलिए लिया है ताकि ना ये अंडे दे, काफ़ी देर हो गई इनको, ये इन्होंने एक बार भी अंडे नहीं दिए, तो मैंने कहा क्यों ना इनका ना केज अलग करके देख लें। और बाकी वाइट वाले को भी करते हैं, ये कबूतरी है और कबूतर वो जिसके साथ जिसके दो बच्चे निकले थे, एक कबूतरी ने मार दिया था और एक खुद मर गया था वो, और एक कबूतरी मरी है। ये देखें और कबूतरी भी मर गई थी, वो कबूतर अब उस कबूतर को और दूसरी कबूतरी का जोड़ा पेड़ लगा देते हैं हम, उसको भी ना यहाँ पर नीचे वाले केज में खाने में बंद करते हैं। ये देखें ये आगे वाला कबूतर है, वो पीछे वाली कबूतरी है, इनको इस केज में बंद कर देते हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह ना अब ये एग देंगे।
ये देखें आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये देखें पहली दफ़ा बंद किया ना तो डर रहे हैं अभी केज में, अजीब फील कर रहे हैं कि ये हम कहाँ आ गए हैं। और बाकियों को कबूतरों को यहीं पर बंद करना है हमने, एंड मुर्गी को बस निकालना यहाँ से थोड़ी देर बाद निकाल। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और लाजमी बताइएगा कि हमारा केज आपको ना कि कैसा लगा है, तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।